हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ रोहित मारवा योर इंग्लिश एजुकेटर एज यू नो डैट वी हैव लोन द सेकंड एडिशन ऑफ एसएससी जीडी बुक सेकंड एडिशन बुक का मार्केट में आ चुका है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इसमें मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश सबके आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है जितने भी आज तक टीसीएस में आए हैं सिक्स थाउजेंड प्लस क्वेश्चंस हैं ठीक है बच्चों मैं आपको यहाँ इंग्लिश करवाने वाला हूँ इंग्लिश का पार्ट ठीक है तो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ये सोल्यूशन देख के कि एरर में ये पार्ट क्यों नहीं ठीक हुआ ये क्यों नहीं हुआ दिस वीडियो कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल दे अब आपके सारे डाउट चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो चाहे किसी फिलिंदा ब्लैंक्स में हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो कोई एंटनिम्स इनानिम्स में हो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी बच्चे इंग्लिश का अटैम्प्ट करना चाहते हैं सी सी के अपकमिंग एग्जाम्स में ठीक है बच्चों एक एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं इस वीडियो सोलूशन बताऊँगा कंप्लीट वीडियो सोलूशन देने जा रहे हैं इस बुक का आपको ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोर्स के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को ठीक है स्टूडेंट्स कमेंट करते रहिएगा नीचे कोई भी डाउट हो तो ओके okay, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए तो देखिए क्या है आपको क्या करना है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पोज करना और एक बार खुद सोल्व करने की ट्राई करने की हाँ इस पार्ट में एरर है तब आपको वीडियो सोलूशन देखना है मेरा ठीक है बच्चों और कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी मदर टंग में हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी आपकी मदर टंग है जो भी है तमिल है तेलुगु है आप, आप क्या करें इसको एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करें और देखें कि क्या लिखा हुआ है अपना समझें पहले कि नंदू छोड़ देगा एयरपोर्ट को जैसे ही टैक्सी आएगी ऐसे मन में ही थोड़ा बनाए रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है क्या बताया एरर वैसे ही निकल जाए ठीक है रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग ही निकल जाता है कि ये गलत लग रहा है ठीक है फिर कोई एरर निकाले नाउन प्रो नाउन कोई कॉन्सेप्ट लगाए ठीक है, है बच्चों चलो मैं करवाता रहूंगा आप देखना नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव जी ये साफ साफ मुझे कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं अगर हम लाइन को अलग अलग बोले आई विल स्टडी मैं पढ़ूंगा मैं पास हो जाऊंगा बोल लिया अलग अलग तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट लिख सकते हो बट इन दोनों को आप अगर क्या कर देते हो डिपेंड करवा देते हो एक दूसरे पे अगर मैं पढ़ूंगा तो आप दोनों फ्यूचर में नहीं भाग सकते एक को प्रेजेंट में रखना पड़ता है फैक्ट बनाना पड़ता है फैक्ट प्रेजेंट टेंस में बनाए जाएंगे इफ आई स्टडी मैं अगर पढ़ता हूं तो पास हो जाऊंगा अब आपको दोनों बातें फ्यूचर में नहीं बता सकते क्योंकि व्हील शेल का मतलब होता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना दोनों फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो सकते डिपेंड करवा के आपको एक क्लोज प्रेजेंट में रखना होता है इफ वाला कंजंक्शन वाला मेन क्लोज फ्यूचर में दो क्लोज होते हैं वेन देर आर दो टू इन द सेंटेंस ज प्रिंसिपल क्लोज और एक क्लोज होता है जो कंजंक्शन के साथ लगा होता है उसे बोलते हैं सबोर्डिनेट या कोर्डिनेट अकॉर्डिंग टू कंजक्शन टाइप अब यह सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज भी क्या है सबॉर्डिनेट ठीक है बस इतना ही था तो ये रहा एस एस के बाद प्रेजेंट डेफिनेट और इसके बाद फ्यूचर वही है इफ अलावा वैन भी आ जाती है, है। नंदू लीव कर लेगा एयरपोर्ट को जैसी टैक्सी आएगी डिपेंड कर रहा है एक तरह से ठीक है बट इतनी चीज याद रखो टैक्सी सिमुलर है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो लगा रखा है पर इस वीवन के साथ एस आई नहीं लगा रखा देखो अब आपको पता है स्टूडेंट बॉय Noun का टॉपिक है और इसे आगे वर्ब तो बेटा एस वाली हर चीज प्लुरल नहीं होती एस वाला नाउन प्लुरल होता है चेयर चेयर गर्ल गर्ल बट वर्ब जो होती है स्टूडेंट एस वाली सिंगुलर होती है ठीक है वर्ब एस लगा के सिंगुलर बनती है और एस हटा के प्लूरल क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है तो इसके कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है ये डिफरेंट टॉपिक है अब टैक्सी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ऐसे आएगी तो आपको बस बताना है कौन सा पार्ट गलत था ये पूछ इन्होंने ऐसे करके ए बी सी डी नहीं पूछा टैक्सी अराइव गलत लिखा हुआ है या ये गलत लिखा है तो आप साफ दिख रहे हैं टैक्सी अराइव वाली बात गलत लिखी हुई है ऐसे ही असला चलिए अगला करिए जी और एक चीज मैं आपको बता दूं अगर बेटा कोई हिंट ना हो ना सेंटेंस में आपको बताया देर आर ट्वेल्व टेंसिस इन इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट के फोर इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट के फोर एंड फ्यूचर के फोर ट्वेल्व टेंस हो गए अगर उसने कोई भी टेंस लगा रखा है चाहे पास्ट इंडेफिनेट लगा के कोई लाइन बना रखी है आई प्लेड क्रिकेट आई राइट अ लेटर कोई भी टेंस बना रखी है ठीक है आप उसे सही मान लोगे जब तक हिंट ना हो अगर हिंट आ जाए हाँ डेली अब आपको बताइए टाइम का हिंट है डेली आ गया तो वी वन लगती है येस्टरडे आ गया अच्छा येस्टरडे आ गया तो वी टू लगती है टुमोरो आ गया तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ता है इफ देर इज नो हिंट ये फॉर्मूला भी सही है मैं खेलता था ये भी सही है मैं खेलता हूं सब सही है आपने सही मान लेना चलो अब कह रहे हैं हमारे सोल्जर्स हैव बींग मेकिंग अब देखो यही एरर मिल गया अब इन्होंने परफेक्ट टेंस बना रखे बनाने दो तो कोई हिट नहीं है तो सब सही है बट हैव बीन क्यों लगा रहे हो स्टूडेंट्स साफ पता है आपको हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है आई हैव बीन प्लेइंग हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है बीइंग तो आईएनजी फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म नाउ बीन तो आपको जैसे ये देखा आपको पता लग गया कि ये पार्ट गलत लिखा हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट करिए हां जी माय आंट गीता इज नोइंग माय फ्रेंड रुद्रांश फेरवेल मेरी जो आंटी है जो भी है गीता है ठीक है वो जानती है मेरे फ्रेंड रुद्रांश को बहुत अच्छे से ये एडवर्ब हो गया आपका ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का अब कहोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगा हुआ है और आपने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ओल्ड टेंस आर करेक्ट बिल्कुल कहा था मैंने बट यहां हिंट है कहां हिंट है देखो अगर इस सेंटेंस में ऐसे होता आई एम राइटिंग अ लेटर मैं बिल्कुल भी इस सेंटेंस को ठीक ना करता क्योंकि आई एम राइटिंग अ लेटर लाइन है इंग्लिश में टेंस है हिंट नहीं है तो मैं ये भी सही मानता मैं लिख रहा हूँ आई एम प्लेइंग होता मैं बिल्कुल ठीक ना करता बिल्कुल सही है आई एम राइटिंग अ लेटर हिंट ही नहीं है हिंट नहीं है तो सब सही है प्लेइंग होता आई एम प्लेइंग क्रिकेट जो भी है यही लिख दिया क्या बार बार तो प्लेइंग लिख सकते हो आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो ये भी सही होता आई एम ईटिंग लंच तो भी सही है बट अब इधर आना मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ आई एम लविंग यू ये गलत है अगर ये सही होता तो हर मूवी में हीरोइन हीरो को और हीरो हीरोइन को ये ना कहता आई लव यू ये गलत है कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा यहाँ आएगा आई लव यू ये गलत है ऐसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट कहोगे तो यहाँ भी तो हिंट नहीं है डेली का नहीं है कुछ नहीं है ये हिंट है यूनिवर्सल ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं परमानेंट और परमानेंट किस में दिखाया जाता है प्रेजेंट टेंस में ये एक यूनिवर्सल बात है यही सबसे बड़ा हिंट है ऐसे स्टूडेंट यहाँ जो ये वर्ब है ना एक ये जो वर्ब है ना स्टूडेंट ये एक स्टेट वर्ब है स्टेट और ये एक डायनेमिक वर्ब है डायनेमिक वर्ब से आप सारे टेंस बना सकते हो बट स्टेट से नहीं बना पाओगे देखो अगर आप लिखते हो आई एम राइटिंग लेटर इसका मतलब क्या है स्टूडेंट इसका मतलब है स्टूडेंट कि मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ मेरा लेटर पूरा नहीं हुआ अधूरा है थोड़ी देर बाद पूरा होगा मैं अभी लिख रहा हूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मैं अभी खा रहा हूँ बाद में आइय मैं अभी खेल रहा हूँ बाद में आइयो आई एम लविंग यू का मतलब भी फिर वही हो गया मैं अभी प्यार कर रहा हूँ अधूरा है थोड़ी देर बाद पूरा होगा ऐसे कैसे हो सकता है फिर अधूरा प्यार होता है प्यार तो परमानेंट होता है पसंद करना परमानेंट होता है और भी ऐसी बहुत वर्ब हैं स्टेट वर्ब मेरे पास कुछ है आई एम हैविंग ए कार गलत है ये इसका मतलब फिर वही हो गया मेरे पास कार हो रही है इसका मतलब अभी आधी है जैसे राइटिंग ए लेटर लिखना अभी आधा है अधूरा है तो मेरे पास कार हो रही है इसका मतलब थोड़ी देर बाद पूरी आएगी अभी डिग्गी डिग्गी आई है ऐसा तो नहीं होता कार है तो परमानेंट है किसी से प्यार है तो परमानेंट है ऐसी ये भी एक स्टेट है अगर आपको स्टेट वर्ब दियो तो आपको इनडेफिनेट टेंस बनाने चाहिए स्टूडेंट चाहे प्रेजेंट डेफिनेट बनाओ चाहे पास्ट इंडेफिनेट बाकी कोई डायनेमिक वर्ब आती है जिसमें टाइम लगता है इसमें टाइम नहीं लगता ये एक स्टेट है माइंड की स्टेट है प्यार करना पसंद करना ये एक टाइम लगता है लिखने में खाने में तो इनका अधूरा और पूरा हो सकता है कि अभी लिख रहा हूं बाद में पूरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद इसमें नहीं कह सकते तो इनके साथ सही है

और कोई भी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन वाले वर्ड है ये थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में ये आते हैं जो स्पीकर होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन हम जो सुनने वाला होता है सेकेंड पर्सन होता है यू थर्ड पर्सन में जो बच गए वो होते हैं जिनकी बात बातें इनमें से कोई भी वर्ड सिंगुलर नहीं है सबके साथ वर्ब प्लूरल आती है ठीक है बट थर्ड पर्सन में भी सबके साथ सिंगुलर नहीं आती दे को छोड़ना पड़ेगा तो असली में जो सिंगुलर सिंगुलर नहीं बोलना चाहिए हमें हमें बोलना चाहिए थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर वाले वर्ड हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है थर्ड पर्सन में सिंगुलर वाले यही है। ही इट और कोई भी नाउन बॉय राम शाम सिंगुलर वाले तो आई हैव आता है, है ये सिंगुलर नहीं आएगा ही के साथ हैज आता है तो जैसे ही आपने हैव किया है ठीक हो गया ये करिए मॉडल्स आपको हर मॉडल के बाद वर्ब लिखनी आनी चाहिए आई विल प्ले हर मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है एस वाली भी नहीं आती एस एस ये आता है तो बेटा सब्जेक्ट का असर जब पड़ता है तब आता है ही प्लेज बीच में अगर हेल्पिंग वह आ जाती है तो सब्जेक्ट का असर हेल्पिंग पर पड़ता है ही इज या दे आर तो यहाँ चाहे आप प्लेइंग ही आएगा दोनों में सब्जेक्ट का असर हेल्पिंग पे पड़ेगा अगर मेन आ गई पहले तो मेन पर पड़ता है ही प्लेज बट यहाँ पे मॉडल आ गया तो सब्जेक्ट का अगर कोई भी असर पड़ना होगा तो बेटा हेल्पिंग वर्ब पे पड़ जाएगा और मॉडल तो एक ऐसी वर्ब है जिनका सब्जेक्ट पे भी कोई असर नहीं आई के साथ भी कैन दे के साथ कैन मीन्स ये मॉडल के बाद वीवन लगाने की आदर डाल लो वो भी प्लूरल वाली प्लेज नहीं प्ले ऐसे हैज कभी ना लगाना क्या हो गया हैज़ भी तो वीवन है नहीं ये सिंगुलर वाली होगी प्लेज हो गया जैसे हैव आता है मॉडल के बाद प्लूरल बेस फॉर्म आती है तो विल हैविंग आई एन जी तो कभी नहीं आती मॉडल के बाद हैव आएगा जैसी हैव लगाया आपका यह क्वेश्चन ठीक हो गया टेंस कोई भी हो ठीक मान लेना ये करिए टेक्नीशियन सिंगुलर है हैज लगा दिया हैज के बाद थर्ड फॉर्म भी लगा दी ठीक है फाउंड इट और एक कुछ कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखने होते हैं जिसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है ना ही इज गुड कुछ वर्ब ऐसी होती हैं आई मेड हिम मेड हिम फुलिश क्लेवर कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लिखा दी है वही है फाउंड इट डिफिकल्ट ये रहा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्री कौन बढ़ाता है वेरी गुड वेरी बैड एडवर्ब ये एडवर्ब है ये एक आपकी एडवांस वब है क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वब आ सकती है बाकी सब एडवांस वब आती है एक क्लोज में एक ही वब आएंगी अगर आपको दो वब यूज करनी है मेन तो आपको या तो कंजंक्शन यूज करनी पड़े या एडवांस होब एडवांस वब क्या होती है कुछ इन्फिनी बनकर बैठ जाती है नाउन बनकर बैठ जाती है नाउन तो आ सकते हैं ना वब एक ही आ सकती है क्योंकि एक लाइन में एक ही वब बोलोगे एक सब्जेक्ट आ गया एक वब आ गया लाइन बन गई वब ठीक है तो टू वी वन यूज करो जेरेंड यूज करो पार्टिसपल्स यूज करो ये सब यूज होती है तो ये भी ठीक है टू के बाद हमेशा वीवन आती है ये एडवांस हो गया इन्फिनिटी बोलते हैं ये भी सही है नो एरर तो आपको लगाओगे नो ये करो जी अब ये सेंटेंस दे पी एन वॉज ब्रोट ऑफ कॉफी फॉर नैना पी एन वॉज ब्रोड पीएन को लाया गया ये देखो कितना गलत है पैसिव है अब आपको एक्टिव पैसिव सीखना पड़ेगा ये सेंटेंस हाँ जी एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेंगे ये तो सबको पता है एक्टिव से पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाओ इज एम आर वी थ्री पास इंडेफिनेट का पैसिव बनाओ वाज वर वी थ्री हाँ एक बात याद रखना अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आपको कहता है ना पैसिव बनाओ आई प्ले क्रिकेट तो जब आप पैसिव बनाते हो तो टेंस वही रहता है प्रेजेंट टेंस बस पैसिव हो जाता है क्रिकेट इज

ठीक है अब ये पहचानो एक्टिव है पैसिव है 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 बहुत आसान पहचानना जो वर्ब वर्ब दी हुई है, उसे लेफ्ट में आकर देखो क्या वो वर्ब को करने वाला बैठा साथ में लेफ्ट में मैं खेलता हूं हाँ मैं ही हूं तो आगे अगर डूअर है तो वो सेंटेंस एक्टिव का है अब इधर आ जाओ अब मैंने आगे क्रिकेट लिख दिया तो अब मैं फॉर्मूला भी पैसिव का लगाऊंगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी फिर से वही वर्ब उठाओ खेलना लेफ्ट में आ जाओ क्रिकेट क्या ये वाली वर्ब क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है जाकर या उसको खेला जाता है तो सेंटेंस में आगे डूअर नहीं बैठा वर्ब को करने नहीं वाला बैठा वर्ब को रिसीव करने वाला बैठा तो सेंटेंस किस में पैसिव में तो अगर सेंटेंस एक्टिव में तो फार्मूला भी एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में तो फॉर्मूला भी पैसिव है एक एग्जाम्पल से देखो क्रिमिनल डैश बाय पुलिस एक मैं वर्ब दे रहा हूं बच्चों आपको कोर्ट और एक देख रहा हूँ वॉज कोर्ट एक एक्टिव की है एक पैसिव की है टेंस वही है पास इन डेफिनेट हाँ आप पहचानो

पीएन को लाया गया या पीएन खुद ला रहा है तो आगे इस वाली वर्ब का जो सेंटेंस में वर्ब है आगे डूअर बैठा है करने वाला बैठा है क्योंकि पीएन ही ला रहा है और आगे डूअर हो तो फॉर्मूला एक्टिव का और एक्टिव में वाज वी थ्री नहीं सिर्फ वी टू लगा दो तो पास एंड टेंस का पैसिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पास एंड मांग रहा है

मैं ये पक्का नहीं कह सकता वट मेक हिम थिंक ऑफ सच एंड आउटरेजियसली एबसर्ड आइडिया ठीक है मैं ये नहीं कह सकता कि उसके बारे में मैं ये बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता कि क्या चीज है मेक हिम थिंक ऑफ सच एन हैजसली एबसर्ड आइडिया वट मेक हिम थिंक ऑफ इस चीज ने मेक हिम का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना जैसे मैंने बोलू आई मेड हिम आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ हमेशा वीवन आती है इनके बाद एडवांस वर्ब इसे कहते हैं बेर इन्फिनेटिव ठीक है कुछ वो बेर इन्फिनेटिव लेती हैं कुछ भी टू वी वन इन्फिनेटिव लेती है जैसे लेट हिम गो इन बेर इन्फिनेटिव आई मेड हिम वॉश करवाना तो ये भी सही है मेरे हिम थिंक मैं क्या चीज़ मैं श्योर नहीं कह सकता क्या चीज़ है जो उससे ऐसे सोचवाती है क्या सोचवाती है कि वो ऐसे आइडिया मतलब सोचता है बेकार से ठीक है तो ये लिख रखे ये भी सही है उसे उससे करवाना बट यहाँ वर्ब गलत है ये वर्ट अपने आप को सिंगुलर मानता है ये जितने भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है सिंगुलर मानते हैं देखो आप हु इज प्लेइंग बाई डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं तो अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाना भी है तो यहाँ मेक्स करो ठीक है ना वट कॉज इज अर्थ को अगर पास्ट इंडेफिनेट लगाना है तो मेड करो कम से कम अब सेंस जो मर्जी का हिंट तो है नहीं जो मर्जी मानो मेन क्लोज प्रेजेंट में है मेन क्लोज बेटा प्रेजेंट में हो ना मेन क्लोज प्रेजेंट में तो कंजंक्शन वाला क्लोज ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है बट मेन क्लोज इफ इज मेन क्लोज इन पास्ट ये अगर पास्ट में होता तो वो पक्का पास्ट में होता है यहां देखते हैं आप क्या सेंस देख लेते हैं कुछ आ रही है हिंट मैं ये श्योर नहीं कह सकता क्या चीज है जो उसको ऐसे सोचते हैं कि वो एबिस आइडिया सोचता है पर ऐसा लग रहा है इसने कल परसों सोचा होगा ये आइडिया इसलिए मैं श्योर नहीं कह सकता कि क्यों उसने इस तरह का आइडिया सोचा ठीक है तो यहाँ पास्ट की ज्यादा सेंस आ रही है पर प्रेजेंट डेफिनेट भी लगाओ इफ देर इज नो हिंट मैंने कहा था ना कोई हिंट ना हो तो सब टेंस ठीक है तो एस तो लगाओ तो एरर तो पता लगा इस पार्ट में करो आपको कभी भी बेटा वेन यूज करोगे ना कंजंक्शन तो उसके साथ जो क्लोज ओपन होगा पास्ट इंडेफिनेट में होगा वाइल टू शो करता है हमेशा कॉन्टिन्यूटी शो करेगा इस पार्ट में दो एरर है बुक से ठीक कर सकते हैं हम वाइल दो बातें साथ साथ होती हैं तब तो वाइल लगा सकते हैं और भी कई चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइल ये कर रहा था उस दौरान ये कर रहा था उस दौरान की सेंस आती है और कॉन्टीन्यूटी आती है वाइल्ड माय वाइफ वाज कुकिंग मेरी वाइफ खाना बना रही थी उसी टाइम मैं बुक पढ़ रहा था तो यहाँ तो वॉज वर्क की कमी है क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आई एन जी आ ही नहीं सकता बिना इज एम आर वॉज वर्क के और यहां भी क्या कमी है स्टूडेंट यहां भी वॉज़ वर्क की कमी है और आई की कमी है वी लगा रखी है, तो दो एरर हो गए इस पार्ट में या तो वोज कुकिंग करो, आई, आई, आई पास्ट में सिंगुलर मानता है बस अपने आप ठीक है तो क्या आएगा एर दो पार्ट में हो गया इस बुक में दिक्कत है इसे देख लेंगे इस मिल गया एरर या तो बेटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाना है कि वो डेली देता है क्योंकि हिंट तो है नहीं इफ दर इज नो हिंट सही है पर अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ज्यादा लग रहा है यूज करने की सोच रहा है इफ दर इज नो हिंट ये भी सही है पर इज एम आर के बाद तो बेटा आई एन जी लिखते हैं ठीक है या तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाओ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाए तो एम के बाद बी वन तो कभी नहीं आती आई एन जी आती तो इस पार्ट में एरर हो गया ये करो ठीक है ये करिए अब द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड ये आगे सेंटेंस में वर्ब और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है मैं बता रहा हूँ और जितनी भी आएंगी बाकी एडवांस वर्ब आएंगी या फिर कंजंक्शन लगाओ इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स और टू सब्जेक्ट्स कंजंक्शन लगाओ एंड एक और वर्ब यूज कर लो कंजंक्शन लगाओ एक और सब्जेक्ट एक और वी यूज कर लो बट ये सिंगल क्लोज है सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड आगे वर्ब बाकी एडवांस आएगी देखते हैं क्या आएगी आगे जाने की सेंस आ रही है इन्फिनेटिव साथ साथ की सेंस आ रही है जेर पार्टिसिपल्स भी यूज होते हैं अगर कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है पार्टिसिपल्स कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं कॉन्टीन्यूटी की सेंस आ रही है आई एनजी पैसिव सेंस आ रही है तो वी थ्री देखते हैं अब क्या सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया एक अनोमली जो वायरस ने करी थी कोज बाय वायरस सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर ली अनोमली का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल चीज ना हो ना अलग हो रहा है कुछ अब नॉर्मल सी चीज देखी सॉफ्टवेयर ने ये क्या हो रहा है कंप्यूटर में या किसी में ठीक है कोज ये गलत है अब आज ये क्या है देखो बेटा आगे जाने की सेंस आ रही है एक सेंटेंस में एक वबागी मैं चाहता हूँ खेलना अब आपको पता है खेलना ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वब आएगी इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा इसके आगे टू लगा दो अब ये नाउन बनकर बैठ गई बन गई नाउन अपने आपको वर्ब भी मानती है ये बस नाउन की जगह पे है क्योंकि है तो व भी खेलना तो आगे ये वर्ब जो करती है वो ये भी करती है ऑब्जेक्ट ले लेंगी कुछ ले लेंगी पर ये नाउन की जगह पर बैठी है एडवांस वर्ब है वब तो है इसलिए ऑब्जेक्ट ले लेती है पर है ये एडवांस वर्ब नाउन की जगह पर बैठ सकती है क्योंकि नाउन आ सकता है वर्ब एक ही आ सकती है टू लगाया नाउन बन गई आई एंजॉय डांसिंग साथ साथ की सेंस हो तो जेरिन कॉन्टिन्यूटी की सेंस देखते हैं अब मैंने एक स्नेक देखा क्या करते हुए आओ क्रोलिंग ये एडवर्ब का काम कर रही है वैसे ये पार्टिसिपल है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए एक बच्चा देखा रोते हुए ठीक है एक डियर देखा भागते हुए रनिंग पैसिव सेंस लो मैंने एक चेयर देखी अब ये चेयर नहीं तोड़ रही चेयर को तोड़ा गया यहाँ स्नेक खुद क्रोल कर रहा है तो ये आईएनजी वाला पार्टिसिपल एक्टिव सेंस का होता है एक्टिव सेंस का और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल ये पैसिव सेंस का होता है वी थ्री हमेशा पैसिव में लगती है ना मैंने एक चेयर देखी जो टूटी हुई थी तोड़ दी गई थी किसके द्वारा मोहन के द्वारा लो एक क्लोज में एक ही वब आई है अगर या तो फिर कंजंक्शन लगाओ बीच फिर वब आओगी वो फिर ये वब बन जाएगी पर अगर आपको सिंगल क्लोज में खत्म करना है तो ये एडवांस वब यूज कर लो चेयर कैसी थी तोड़ दी गई पैसिव सेंस आ रही है तो थर्ड फॉर्म जैसी होती है पैसिव सेंस कंटिन्यूटी दिखानी हो तो आई एन जी होती है पैसिव सेंस ऑफ वी थ्री से पार्टिसिपल बोलते हैं ये वही पार्टिसिपल है मैंने सॉफ्टवेयर डिटेक्ट की अनोमली अनोमली कोज नहीं कर करी अनोमली कोज किया गया किसके द्वारा वायरस पैसिव सेंसर ना ये थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं हमेशा इस एडवांस आपको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल ये हमेशा थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं ऐसे दिखते ही नहीं है वी वन जैसे ठीक है इनकी शक्ल ही हमेशा क्या होती है थर्ड फॉर्म आपने देखे भी होंगे थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव चेयर की विशेषता है अनोमली की विशेषता बस लिखते बाद में है होते थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव है देखो कंफ्यूज पर्सन थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव आईएनजी वाले भी होते हैं बोरिंग मूवी तो ये वही है पैसिव सेंस थी थर्ड फॉर्म आएगी ये कोई वर्ब नहीं है ये एडवांस वर्ब है ये पार्टिसिपल पार्टिस वाले एडजेक्टिव एडवांस वर्ब कितनी भी आ सकती है मेन वर्ब एक ही आ सकती है वो आ गई पाश में बिल्कुल ईजी आ रहा है माई फ्रेंड रैगनी शेल मॉडल है मॉडल के बाद वीवन आती है कंप्लीट ये देखो जीतेन एंड हीरो ये मेन वर्ब है सेंटेंस की ये वही एडवांस होगा टू के बाद हमेशा वी वन आता है इसे ना करना है और ये अपने आपको नाउन बनकर बैठिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर बैठगी नाउन पर ये अपने आपको वर्ब मानते हैं जैसे मैंने देखा मैं चाहता हूं क्या कार ये प्योर नाउन है इसे ना छेड़ो क्योंकि ये तो नाउन है मैं चाहता हूँ क्या खेलना देखो अब यहाँ नाउन आना था मुंह से क्या निकल गई वर्ब और खेलना के इंग्लिश लिखते ही प्ले गलत हो गया क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है बाकी नाउन आएंगे तो अब वी वन को नाउन कैसे बनाए तो इस वी वन के आगे टू लगाओ कभी आई एन जी लगाओ एडवांस वो

ये मेन वर्ब है और अगर ये मेन वर्ब है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आती है या तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में या पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही वॉज ए सिंगर ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो आपको पता है यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की रिक्वायरमेंट है इज लगाओ वो एडजेक्टिव है नाउ ये करो टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग आंसर्स ये करिए फिफ्टीन ये। देखो टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग गलत हो गया देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा आई आए। फ्यू, फ्यूचर की बात है और लिख रखा है अभी प्रेजेंट की बात आई एम बिजी इसे फ्यूचर इनडेफिनेट में बदल तो प्रेजेंटेफिनेट टेंस लगा रखा है ये तो आगे एडजेक्टिव आ गया स्टूडेंट ठीक है और ये एडवांस वर्ब आ एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकते आई एम बिजी कौन सा टेंस हुआ आपको बताया बेटा जब भी इज एम आर मेन वर्ब हो तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट की क्वालिफाई करने वाला या नाउन आएगा ही इज ए टीचर वो एक ही पर्सन या ज्यादातर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए लिखती है लिंकिंग बन जाती है इन्हें जब इज एम आर मेन वो लिंकिंग वो कौन है अच्छा है इज एम आर हेल्पिंग नहीं है मेन है और जब भी ये मेन बनकर बैठती है सब्जेक्ट को कोई करवाती है और सब्जेक्ट कौन है नाउन या प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आता है एडजेक्टिव आते हैं तो क्या आया ही इज गुड या ही इज बैड ठीक है तो यहां क्या, है क्या फ्यूचर की टेंस आ रही है तो फ्यूचर बनाओ इसे विल लगाया या शेल लगा लो जो भी है आई शेल कोई दिक्कत नहीं है है अब इस एम की बेस फॉर्म ठीक शेल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है कभी आपने ये नहीं देखा होगा मॉडल के बाद यूं आ गया प्लेज राइट्स हमेशा आएगी बेस फॉर्म और बेस फॉर्म जो होती है इस एम आर में ये होती है बी तो आई शेल बी पैर हो गया इस पार्ट i will drive you to the session in the morning will के बाद ड्राइविंग इतने आसान क्वेश्चन है will के बाद हमेशा v1 आती है वही अभी फर्स्ट क्वेश्चन आ जो मैंने अभी बताया था जब भी कंडीशनल सेंटेंस आए तो इफ के साथ प्रेजेंट दोनों फ्यूचर नहीं आते इफ के साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आता है मेन क्लोज में फ्यूचर आता है मेन क्लॉज में फ्यूचर दोनों बातें फ्यूचर में नहीं आ सकती टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू टीचर पक्का तुम्हारी हेल्प कर देगी अगर तुम उससे पूछोगे इफ यू आज कर विल नहीं आएगा कहां से विल हटता है ये सीख लो इफ वाले क्लोज के साथ चाहे वो इफ वाला क्लोज आगे हो चाहे पीछे हो इफ वाले क्लोज के साथ हटता है मेन क्लोज फ्यूचर में इसे कहते हैं कंजंक्शन वाला क्लोज सबोर्डिनेट ये होता है मेन क्लोज जो कोई कंजंक्शन नहीं होती जिसके साथ ठीक है तो ये हो गया एरर ठीक है इफ यू इतने आसान क्वेश्चन है आई होप मैं आशा करता हूँ। यू विल जो टेंस दिया हुआ है चुप सही मान लो दिस वीकेंड मतलब आने वाला वीकेंड विल के बाद हेल्प क्या हो गया यार ये क्वेश्चन करिए स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे आर अराइविंग करिए बिल्कुल इजी है फोटो देना सर हाँ जी वही है जो अभी बताया था हाँ विल बी लर्निंग फ्रेंच वेन दे अराइव क्या ये वही वो कंडीशन है विल बी लर्निंग फ्यूचर में कहा था मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर इंडेफिनेट यूज करोगे यूज कुछ भी कर सकते हो वहां भी जरूरी नहीं है प्रेजेंट में कहा था तो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट का परफेक्ट भी यूज हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस है इफ के साथ प्रेजेंट वाला क्लोज मेन क्लोज फ्यूचर में स्मिथ विल बी लर्निंग याद कर रहा होगा फ्रेंच वेन दे अराइव याद कर रहा होगा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये नहीं है कि याद करेगा कर रहा होगा की सेंस आ रही है जब वो आते हैं आ रहे हैं कि कोई सेंस नहीं वेन दे अराइव प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज की सेंस आ रही है क्योंकि ये देखो ये कंजंक्शन वाला क्लोज है इफ आए वेन आए ऐसु जाए कोई भी आएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस दूसरी तरफ फ्यूचर का लगा लो जो भी है कॉन्टिन्यूटी में सेंस आ रही है यहां भी अगर कॉन्टिन्यूटी में आती तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यू यूज कर देता कंप्लीशन की सेंस आती तो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज कर देता पर है वही चीज कंडीशनल सेंटेंस इस पार्ट में एरर है हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश आर आ जाओ सब्जेक्ट ढूंढते हैं जैसे स्टूडेंट कई बार हम सेंटेंस में लिखते हैं वाटर इज प्योर पर एक बच्चा बोलता है कौन सा वाटर तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं नदियों का अभी भी बच्चा कहता है कौन सी नदियां मैंने कहा भारत की तो ये मैं जितना भी प्रीपोजिशन लगा के लिख रहा हूं ना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट है तो नाउन ही और नाउन का काम होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना अब आप पहचानो तो आपको पता है वर्ब के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये रिवर्स ऑफ के पीछे ऑब्जेक्ट ये इंडिया इनके पीछे ऑब्जेक्ट तो कौन बच गया इन सबको छोड़ दिया जाए तो वोटरी बच गया तो ये आपका असली सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा ऐसी ऑफ इंग्लिश एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नॉलेज सब्जेक्ट है इज एरर किसम हो गया इस पार्ट पेशेंट सिंगुलर है स्टूडेंट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर रहे हैं करने तो कोई दिक्कत नहीं पर लुक्स ढंग अच्छे से तो करो ऑल करेक्ट इफ़ देर इज नो हिंट ठीक है कि प्रेजेंट करें पास्ट करें इस मॉर्निंग अच्छा लग रहा है ठीक है वैसे भी स्टेट वर्ब है लुक सही आएगा एरर पेशेंट सिंगुलर है अरे भाई पास्ट भी लगाना है तो कम से कम सेकंड फॉर्म तो होती मिल तो गया एरर इस पार्ट में है आई हैव वेटिंग एंड फॉर माई एग्जाम भाई बड़े क्या कहते हैं बड़ा ही मैं वो हो रहा हूँ क्या कहता है सरप्राइजिंगली वेट कर रहा हूँ उदासी से कि भाई चिंता हो रही है मेरे को एग्जाम रिजल्ट की आई हैव वेटिंग लिख रखा है देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है तो कम से कम अच्छे से लगाओ आई हैव बिन वेटिंग ठीक है बट मुझे लग रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाओ क्योंकि यहाँ पीछे फोर सेंस नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब लगाते हैं जब बच्चे थोड़ा बहुत कंप्लीट हो पांच घंटे का दस घंटे का ताकि परफेक्ट लगा के कॉन्टिन्यूस लगाएं क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कुछ कंप्लीट

वो ही हैड हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है सिंपल सी बात है नरेशन की बात है ही वॉन्ट्स टू रीड गाता था बोल सकता है तो साइड लगा कुछ भी लगाओ बेटा मेन क्लोज पास्ट में है तो ये पास्ट में वीटू भी आ सकते हैं अगर ये वी वन, जैसे नरेशन किया आपने वी वन होती तो किस में चेंज हो जाती है वी टू वी टू में बोल जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं तो आप घर जाके जब नरेशन सुनाते हो तो क्या बोलोगे खेलते थे प्लेड पर अगर मैं पहले से ही बोल दू मैं प्लेड खेलता था तो आप घर जाओगे और पुरानी होगी तो आप हेड प्लेड कर देते हो तो सिंपल बात है कहा है अभी कहा है ये मैंने कहा होगा कि मैं चाहता था तो इन्होंने ओवर पास्ट कर दी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट वांटेड इतना तो करो एरर तो मिल गया इस पार्ट में वी टू भी लिखो पता नहीं है ना कि उसने यूं कहा था या वॉन्ट कहा था तो वॉन्टेड हो जाएगा वॉन्टेड कहा था तो हैड वॉन्टेड पर एरर तो इसी पार्ट में हो गया ना स्टूडेंट ठीक है चलो इमेंस टैलेंट डेट लगाना था क्योंकि ये मेन क्लोज के बाद सीधा सब्जेक्ट के बाद दोबारा वी नहीं आ सकता कंजंक्शन लगानी थी मेन क्लोज इधर है इमेंस टैलेंट डेट वी है इज इंप्रेसिव टू से लिस्ट जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो है कि सबसे कम बोलो ठीक है एट अवर डिस्पोजल का मतलब होता है एट अवर डिस्पोजल का मतलब जब कभी भी हम चाहें कुछ भी एट अवर डिस्पोजल जब हमारा मन करे तो सबसे बड़ा टैलेंट है सबसे इंप्रेसिव क्या है वो सबसे कम बोलो ठीक है वी हैविंग गलत है आपको पता है सब्जेक्ट के बाद अब आपको पहले ये दो क्लोज हैं इसे अलग करना सीख लो ये लो सिखाता हूं मैं द बॉय हु इज माय ब्रदर इज इंटेलिजेंट ठीक है द बॉय इज इंटेलिजेंट मेन क्लोज ये रहा ठीक है कई बार अब इसके अंदर ना चले जाना बॉय हु ये मेन क्लोज में कई बार इसकी वर्ब आगे मिलती है ये तो कंजंक्शन वाला क्लोज हो गया ना इसे अलग कर दो तो पहले कंजंक्शन वाला क्लोज है, है तक, तक? तक. वर्ब वी के बाद आई लगा रखा है आपको पता है सब्जेक्ट के बाद कभी डायरेक्ट आई एनजी आ ही नहीं सकता इज एम आर लगता है और हैव एक स्टेट अभी कहा था मेरे पास कुछ है तो मैं यू नहीं बोलूंगा स्टेट वब है इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास कार हो रही है मतलब अधूरी है थोड़ी देर बाद पूरी होगी तो अभी कितनी आधी है है तो परमानेंट है आई हैव अ कार आई हैव मैनी फ्रेंड्स आई हैव टैलेंट वही है वी हैव ऑलवेज लगाया हुआ है हैव के बाद ये तो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है पर ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट पर यहाँ हिंट है यहाँ हिंट है परफेक्ट टेंस नहीं आएगा यहाँ इनडेफिनेट आएगा क्योंकि ये परमानेंट बात है ऑलवेज डेली वैन यू सी दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्योंकि ये ही शो करते हैं कि हमेशा ऐसा होता है परफेक्ट टेंस का तो मतलब होता है एक बार हो गया मैंने सिलेक्शन ले लिया खत्म बात ही खत्म होगी मैंने अभी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन करवा दिए खत्म तो खत्म फिनिश बट ये हमेशा जो होता है हो, फिनिश ना हो जो हमेशा के लिए फिनिश ना हो वो चलता रहे उसे कहते हैं इंडेफिनेट ऑलवेज है always. Always hours, क्या करें अभी से इस पार्ट में एरर देखोगे हैव हटा दो बस ठीक हो जाएगा हाँ ऑलवेज कहाँ आता है जस्ट नोट आता है हेल्पिंग और मेन के बीच में ये है दो बस सही हो जाएगा दे हैव गलत है दे ऑलवेज टेक एन आवर्स वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट कि वो आधे घंटे की वॉक करते हैं ठीक है देखो हैव हटा है दोगे तो दे के बाद वीवन आ जाएगी सीधा टेंस बन जाएगा हैव वाले में एरर हो गया ये थे स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आई होप यू हैव द क्लास अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं इन्फॉर्म कि जी का कोर्स लॉन्च हो चुका है इंग्लिश का बता सकते हैं अपने दोस्तों को थैंक यू नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे ट्वेंटी सिक्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में ठीक है बच्चों कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पर डिम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको थैंक यू